ब्राह्मण बालक के साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेव जी तथा धर्म की बातचीत, देवताओं द्वारा श्री विष्णु की तथा ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट महत्ता का प्रतिपादन। सौती कहते हैं, ब्राह्मण को आया देख देव समुदाय उठकर खड़ा हो गया था। फिर वहां सभा में उन सबकी परस्पर बातचीत हुई। ये ब्राह्मण रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु है, यह बात देवताओं की समझ में नहीं आई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्वापर की सारी बातें भूल गए थे। शौनक जी, उस समय ब्राह्मण ने सब देवताओं को संबोधित करके मधुर वाणी में वह सत्य बात कही जो प्राणियों के लिए परम कल्याण कारक थी। ब्राह्मण बोले, देवताओं, यह उपबरहण की भार्या और चित्ररथ की कन्या है। पति शोक से पीड़ित होकर इसने स्वामी के जीवन दान के लिए याचना की है। अब इस कार्य के लिए निश्चित रूप से किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए, सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताएं जो सदा काम में लाने योग्य और समयोचित हो। मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होने पर समस्त देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत है। अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सती को समझा बुझाकर शांत किया है। सुना है आप लोगों ने श्वेत द्वीप में श्री हरि की भी स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के वे स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछे से भगवान विष्णु भी जाएंगे। आकाशवाणी की बात तो अटल होती है, फिर वह विपरीत कैसे हो गई? ब्राह्मण की यह बात सुनकर साक्षात जगतगुरु ब्रह्मा ने यह परम मंगलमय सत्य एवं हितकर बात कही। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्र नारद ही शापवश उपबरहण नामक गंधर्व हुए थे, फिर मेरे ही शाप से उन्होंने योग धारणा द्वारा प्राणों को त्याग दिया। भूतल पर उपबरहण की स्थिति 1,00,000 युग तक नियत की गई थी। इसके बाद वे शूद्र योनि में पहुंचकर उस शरीर को त्यागने के बाद फिर मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भूतल पर उनके रहने का जो समय नियत था उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार इस समय इनकी आयु अभी 1,000 वर्ष तक और बाकी है। मैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से उपबरहण को जीवन दान दूंगा जिससे इस देव समुदाय को शाप का स्पर्श न हो। वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आए, सो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान है। वे ही सबके आत्मा है। आत्मा का पृथक शरीर कहाँ होता है? वे स्वेच्छामय पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातन देव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सबको देखते हैं। विष धातु व्याप्तिवाचक है और णू का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक है, इसलिए विष्णु कहे गए हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर भीतर सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, कर्म के आरंभ, मध्य और अंत में जो श्री विष्णु का स्मरण करता है उसका वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जगत की सृष्टि करने वाला मैं विधाता, संहारकारी हर तथा कर्मों के साक्षी धर्म, ये सब जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, जिनके भय और आज्ञा से काल समस्त लोकों का संहार करता है, यम पापियों को दंड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकार में कर लेती है, सर्वेश्वरी, सर्वाद्या और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत रहती तथा जिनकी आज्ञा का पालन करती है, वे भगवान विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं। महेश्वर बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं, उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? वेदों का अध्ययन करके तुमने कौन सा सार तत्व जाना है? विप्रवर, तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी बालक हो
तो भी सूर्य से बढ़कर तेज धारण करते हो। तुम अपने तेज से देवताओं को भी तिरस्कृत करते हो, परंतु सबके हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप से विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते हो। यह आश्चर्य की बात है। उन परमात्मा के ही त्याग देने पर देहधारियों का यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इंद्रिय वर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे उसके सेवक जाते हैं। जीव उन्हीं का प्रतिबिंब है। वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इंद्रिय वर्ग, बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, निद्रा, दया, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा आदि भाव उन्हीं के अनुगामी माने गए हैं। वे परमात्मा जब जाने को उद्यत होते हैं तब उनकी शक्ति आगे आगे जाती है। उपर्युक्त सभी भाव तथा शक्ति उन्हीं परमात्मा के आज्ञा पालक हैं। देह में जब तक ईश्वर की स्थिति है तभी तक देहधारी जीव सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है। उन ईश्वर के निकल जाने पर शरीर शव होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता है। ऐसे सर्वेश्वर शिव को कौन देहधारी नहीं मानता। सबकी सृष्टि करने वाले साक्षात जगत विधाता ब्रह्मा निरंतर उन भगवान के चरणार विंदों का चिंतन करते हैं परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब 1,00,000 युगों तक तप किया तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये संसार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। मैंने भी श्री हरि की आराधना करते हुए सुदीर्घ काल तक जिसकी कोई गणना नहीं है तप किया, परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है। अब मैं समस्त कर्मों से निःस्पृह हो अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरंतर भगवान नाम का जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चिरकाल तक तपस्या पूर्वक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने से ही मैं समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ एवं मृत्युंजय हुआ हूँ। समय आने पर मैं उन्हीं श्री हरि में लीन होता हूँ तथा पुनः उन्हीं से मेरा प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं की कृपा से काल मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं सकती। ब्रह्मन, जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं वे ही वैकुंठ और श्वेत द्वीप में भी हैं। जैसे आग और उसकी चिंगारियों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंश में भेद नहीं होता। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। 28वें इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी संख्या से विशिष्ट 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है तब परमात्मा विष्णु के नेत्र की एक पलक गिरती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की एक श्रेष्ठ कला मात्र हूँ, अतः उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। शौनक, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। धर्म बोले, जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान है, जो सबके अंतरात्मा रूप से प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते, उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश, काल और वस्तुओं में विद्यमान होने पर भी जो तुमने यह कहा कि अभी तक भगवान विष्णु इस सभा में नहीं आए, ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया। तुम्हारी बात सुनकर मुनियों को भी मति भ्रम हो सकता है। जहाँ महापुरुष की निंदा होती हो वहाँ साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभी पाक नरक में जाता है और वहाँ एक युग तक कष्ट भोगता रहता है। यदि देववश महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़ जाए तो विद्वान पुरुष श्री विष्णु का स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तथा जो नराधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता
और हंसता है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। जहां श्री हरि की निंदा होती है, वह स्थान मदिरा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। वहां जाकर यदि भगवन निंदा सुनी गई, तो सुनने वाला प्राणी निश्चय ही नरक में पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के तीन भेद बताए थे। एक तो वह जो परोक्ष में निंदा करता है, दूसरा वह जो श्री हरि को मानता ही नहीं है, तथा तीसरी कोटि का निंदक वह ज्ञानहीन नराधम है जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत उस निंदक का नरक से उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है, वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में पड़ा रहता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भय से रक्षक तथा वरदाता हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे, फिर उन देवताओं से मधुर वाणी में बोले।